हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में NCL माइनिंग सरदार एग्ज़ाम 2019 में जो हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्विज पैटर्न में। तो जो लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग वीडियोज़ डालें तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इस टेस्ट को देते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपना नाम लिख लें, जो भी आप लोगों का नाम हो, ठीक है। फिर स्टार्ट बटन में क्लिक करिएगा तो इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ समवन इज इंजर्ड व्हाट टू डू फर्स्ट, ठीक है। इसका ऑप्शन है टू गिव लेसन, टू गिव फर्स्ट एड, टू ट्रेन, टू सेंड होम। तो कोई भी व्यक्ति अगर इंजर्ड हो जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसका सही उत्तर टू गिव फर्स्ट एड होगा, ठीक है। हम लोग लास्ट में सही आंसर देख लेंगे गलत है या सही, तो मेरे हिसाब से अभी टू गिव फर्स्ट एड होगा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ नॉट एन ओपन कास्ट माइनिंग टर्म, इसमें से कौन सा माइनिंग ओपन कास्ट का माइनिंग टर्म नहीं है। ऑप्शन हैं बेंच, हॉल रोड, बर्म, टेक ऑफ। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, टेक ऑफ नहीं है ओपन कास्ट माइनिंग टर्म। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, न्यू कोल माइन रेगुलेशन इज इफेक्टिव फ्रॉम, जो नया कोल माइन रेगुलेशन है कब से लागू हुआ था। मार्च 2017, नवंबर 2017, नवंबर 2016, मार्च 2018। तो इसका राइट आंसर नवंबर 2017 होगा। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं, फायर टेंडर इज यूज्ड फॉर, ठीक है। फायर टेंडर किसके काम आते हैं, कैरिंग फायर, कैरिंग एक्सप्लोजिव, फायर फाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। इसका राइट आंसर फायर फाइटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, बिफोर स्टार्टिंग डिक्लेयरिंग परमिशन हैव टू बी टेकन फ्रॉम, डिक्लेयरिंग करने से पहले किससे परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन है DGMS, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, चेयरमैन, कोल इंडिया लिमिटेड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए होगा, DGMS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं, ड्रैगलाइन इज यूज इन एंड एयरक्राफ्ट रूट, रेल रूट, सर्वे टूल, ओपन कास्ट माइन। इसका ऑप्शन नंबर डी पे राइट आंसर होगा, ओपन कास्ट माइन। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं, वाटर डेंजर प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय, इसके ऑप्शन हैं सिविल इंजीनियर, माइनिंग सर्वेयर, माइन सर्वेयर, सिविल सर्वेयर। तो इस मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी माइन सर्वेयर होगा। क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं, ए व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग एक्सप्लोजिव शैल नॉट एक्सीड द स्पीड ऑफ, जो गाड़ी एक्सप्लोजिव ले जाता है उसका स्पीड कितना ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो ऑप्शन से 25 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करते हैं। नाइन देख लेते हैं, कोल हैंडलिंग प्लांट डज नॉट हैव दिस, रबर बेल्ट, साइड रोलर, कटिंग एज, ड्रम। कोल हैंडलिंग प्लांट में कौन सा चीज़ इसमें चारों ऑप्शंस पे नहीं है होता है, तो मेरे ख्याल से कटिंग एज होगा, ठीक है। आप लोग भी अपने हिसाब से मान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ NCL इज, ऑप्शन है नॉर्थ कोल लिमिटेड, नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड, नॉर्थ सेंट्रल लिमिटेड, नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखते हैं, माइनिंग सरदार डज नॉट हैव अथॉरिटी फॉर, फेस इंस्पेक्शन, मैन पावर इंगेजमेंट, रिमूविंग मैन पावर इन केस ऑफ अप्रेहेंडिंग डेंजर टू रन अ मशीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेरे ख्याल से, टू रन अ मशीन। उस माइनिंग सरदार को इजाज़त नहीं है मशीन चलाने का। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, द कैप लैम्प यूज बाय द माइनर इज इंट्रिंसिकली सेफ, फ्लेम प्रूफ, नन ऑफ ए एंड बी, और डी है कैपेबल टू प्रोड्यूस स्पार्क। तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से सी होगा, ना ही वो इंट्रिंसिकली सेफ है या फ्लेम प्रूफ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं, एज पर रूल हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द माइन एम्प्लॉय पर डे। इसका राइट आंसर होगा 1.5 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 2 लीटर। तो मेरे ख्याल से 2 लीटर होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। वेन IME is done at the age of 18 years after joining, before joining,
वेन एनी इंजरी और सिकनेस। IME का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्लीज़। ठीक है, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिफोर ज्वाइनिंग हम लोग IME करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। दिस इज़ नॉट अ डेफिनेशन ऑफ माइन एज पर माइंस एक्ट 1952। ऑप्शन है CHP, OB बेंच, पावर स्टेशन, मेन सम्प। तो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इन अ माइन एम्बुलेंस शैल बी स्टेशनेड एट सिक्योरिटी पोस्ट, फायर स्टेशन, फायर एड रूम और सब स्टेशन। एम्बुलेंस कहाँ पे रखा जाएगा? ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्टेशन तो नीचे होती है, फर्स्ट एड रूम, हाँ फर्स्ट एड रूम ऊपर में आता है तो ऊपर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इट इज़ नॉट अ सेफ्टी गैजेट, हेलमेट, माइनिंग शू, ब्लेजर, मास्क। इसको राइट आंसर होगा ब्लेजर, सेफ्टी गैजेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, गोफ इन रिलेशन टू माइनिंग रिलेट्स टू ओपन कास्ट वर्किंग, अंडरग्राउंड डेवलपमेंट और अंडरग्राउंड डिप्लेयरिंग वाइल व्हील्स। गोफ इज रिलेशन टू माइनिंग रिलेट्स टू, इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से तो ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करते हैं हम लोग, अंडरग्राउंड डिप्लेयरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। नोटिस ऑफ फैटल एक्सीडेंट और सीरियस बॉडी इंजरी इज टू बी सेंड रीजनल इंस्पेक्टर विथ इन आवर्स। सीरियस बॉडी इंजरी है तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मैं 24 पे क्लिक कर दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 20 होगा, स्ट्रेचर इज़ यूज फॉर कैरिंग गुड्स, फॉर कैरिंग पेशेंट, फॉर कैरिंग कोल, ऑल ऑफ द एबव। जो स्ट्रेचर होता है फर्स्ट एड रूम में वो किस काम के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर है फॉर कैरिंग पेशेंट, आदमी को ले जाने के लिए जो चोट लग जाता है उन लोगों को। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। इट इज़ एन इक्विपमेंट फॉर ओपन कास्ट माइन। ऑप्शन है डॉजर, रोड हेडर, बर्न साइड बोरिंग ऑपरेटर्स, डबल डर्म सेरर। ओपन कास्ट माइन, इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से डोजर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CIL, इसके ऑप्शन है सेंट्रल इंडस्ट्री लिमिटेड, कोल इंडस्ट्री लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल इंडिया लिमिटेड। इस ऑप्शन कोल इंडिया लिमिटेड होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट अलाउड फॉर एनी रोड इन द माइन। स्टीपेस्ट, ठीक है, 1:10, 1:12, 1:16, इसका राइट आंसर 1 ही होगा, 1:10 ही होगा। ठीक है, स्टीपेस्ट के लिए आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑफ वर्कमैन इज डन एट द इंटरवल ऑफ। रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑफ वर्कमैन इज डन एट इंटरवल 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 ईयर्स। इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। एन एम्प्लॉय शैल नॉट पोजेस दिस आइडेंटिटी कार्ड, मैच बॉक्स, सेफ्टी गैजेट, ड्राइविंग लाइसेंस। जो एम्प्लॉय होगा वो कौन सा चीज़ नहीं रखेगा अपने पास? मैच बॉक्स नहीं रखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, हु इज़ नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन एज पर नॉर्म। HMM ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, माइनिंग सरदार, डाटा एंट्री क्लर्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डाटा एंट्री क्लर्क एक कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द एक्सटिंग्विशर कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। ऑप्शन है ऑटोमेटिक, वाटर टाइप, फोम टाइप, CO2 टाइप। ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करते हैं, CO2 टाइप। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ माइन। ऑप्शन है ड्रैग लाइन फेस, कोल रिसीविंग होपर, कोल यार्ड ऑफ डंपर, कस्टमर्स कोल यार्ड। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29, परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग इज कैलकुलेटेड एस स्ट्रिपिंग रेशियो, पावर फैक्टर, पाउडर फैक्टर, स्पेस फैक्टर। परफॉर्मेंस ऑफ ब्लास्टिंग इज कैलकुलेटेड एस, तो इस मेरे ख्याल से पाउडर फैक्टर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। फर्स्ट एड किट डज नॉट हैव दिस मेडिसिन, कॉटन, हैमर, सीजर। ऑप्शन नंबर सी होगा, हैमर नहीं रहता हथौड़ी। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग इज फिटेड फॉर इम्प्रूविंग इफिशेंसी, इम्प्रूविंग लोड फैक्टर, इम्प्रूविंग सेफ्टी, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इम्प्रूविंग सेफ्टी के लिए प्रॉक्सिमिटी वार्निंग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटेड हीज
डैश ईयर्स, इसका ऑप्शन से है 20, 18, 23, 21। तो एडल्ट के लिए 18 साल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, माइनिंग सरदार डज नॉट इंस्पेक्ट डंप, कोल यार्ड, कैंटीन, फेस। कैंटीन होगा, ठीक है। माइनिंग सरदार डज नॉट हैव हैंड प्लान, ऑफसेट प्लान, फर्स्ट एड किट, हेलमेट, मैच बॉक्स। मैच बॉक्स ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, इट इज़ नॉट अ ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ डंपर, रिटार्डर, पार्किंग ब्रेक, सर्विस ब्रेक, स्टॉपर। स्टॉपर मेरे ख्याल से स्टॉपर होगा, स्टॉपर तो रोकने के लिए, ब्रेकिंग सिस्टम के लिए तो है नहीं, स्टॉपर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से मान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, वर्कमैन इंस्पेक्टर फिल्स दिस फॉर्म स्टैट्यूटरली। वर्कमैन इंस्पेक्टर फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म ओ, फॉर्म यू। वर्कमैन इंस्पेक्टर मेरे ख्याल से फॉर्म यू होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, बर्डन इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू होल्स, बर्डन किसे कहते हैं, ठीक है, टू होल्स, फर्स्ट रो एंड लास्ट रो। ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट रो ऑफ द ब्लास्ट होल्स एंड द बेंच एज, नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं, दिस इज़ नॉट ए ओपन कास्ट मशीन, क्रेन, टायर हैंडलर, HDL, फॉक लिफ्टर। इसमें से ओपन कास्ट मशीन कौन नहीं है, क्रेन, टायर हैंडलर्स, HDL। HDL पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, इट इज़ नॉट यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन, ड्रिल, रोड ग्रेडर, इंडलेस हॉलेज, बेल्ट कन्वेयर। इंडलेस हॉलेज, ठीक है, ओपन कास्ट में यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वन डज नॉट रिक्वायर टू हैव फर्स्ट एड किट, ठीक है, ओवरमैन, माइनिंग सरदार, या मैनेजर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ऑफिस सुपरिटेंडेंट को फर्स्ट एड किट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। व्हाट शुड बी द ग्रेडेड ऑफ होल रोड, वन इज 1 in 10, 1 in 12, 1 in 16, 1 in 20। तो 1 in 16 पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट फाउंड इन अंडरग्राउंड माइन, इनमें से कौन सा गैस अंडरग्राउंड माइन में नहीं मिलता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, ये सब तो मिलते ही, नन ऑफ द एबव भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिफिकल्ट इन स्टार्टिंग एन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, ऑप्शन है लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर, ग्रीन बेल्ट क्रिएशन, सेलेक्शन ऑफ कस्टमर्स। ऑप्शन नंबर ए होगा, लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन। क्वेश्चन नंबर 44, क्वालिफिकेशन हैड टेकन प्लेस इन फॉलोइंग ऑर्डर, ऑर्डर लिग्नाइट पीट बिटुमिनस एंथ्रेसाइट, पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रेसाइट, पीट लिग्नाइट एंथ्रेसाइट बिटुमिनस, पीट टुमिनस, पीट लिग्नाइट एंथ्रेसाइट। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी होगा, पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्रेसाइट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं, हाउ मेनी सब्सिडरी कोल इंडिया हैव, तो 8 होगा। फुल फॉर्म SOP इन माइनिंग इज शेड्यूल फॉर प्रोसीड्योर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, सिस्टम ऑफ प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करते हैं हम लोग। PME इज डन एट विच इंटरवल ऑफ वर्क मैन मोर देन 45 ईयर्स एज, 45 अगर ईयर्स हो जाता है तो कितने साल के अंतराल में हम लोग करेंगे, 3 साल, ठीक है। एज़ पर द CMR डेंजर जोन ऑफ ब्लास्टिंग इज एन एरिया फॉलिंग इन अ रेडियस ऑफ 500 के अंदर, 500 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए था 100 मीटर, 150 मीटर, 500, 300 मीटर। 500 मीटर मैंने क्लिक किया, आप लोग देख लीजिएगा। द टर्म रिप्रेजेंटेड फैक्टर RF इज रिलेटेड विथ माइन वेंटिलेशन, माइन प्लान, माइन एयर सैम्पलिंग, माइन ड्रेनेज। रिप्रेजेंटेड फैक्टर मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर माइन वेंटिलेशन, माइन ड्रेनेज, तो इसका राइट आंसर माइन प्लान होगा मेरे ख्याल से, गलत भी हो सकता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज़ नॉट यूज्ड फॉर कोल ट्रांसपोर्टेशन, दिस इज़ नॉट यूज्ड फॉर कोल ट्रांसपोर्टेशन, शिप, एयरबस, ट्रेन, बोट।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पार्ट का पहला पार्ट है ये, तो 50वां क्वेश्चन हो गया। इसे सबमिट करेंगे और देखेंगे कितना सही है और कितना गलत हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए इसे सबमिट करते हैं, आप लोग भी सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने सबमिट कर दिया है, 48 आया है, दो गलत हुआ है मेरा। ठीक है, चेक करते हैं कौन सा गलत हुआ है। एज़ पर ये तो सही है, 500 मीटर बिफोर डिप्लिंग DGMS से लेना का परमिशन, नोटिस ऑफ एक्सीडेंट ये भी सही है, ये भी सही है, NCL का भी फुल फॉर्म सही है, ड्रैग लाइन ओपन कास्ट में यूज होता है, इक्विपमेंट डोजर ओपन कास्ट सही है, इट इज़ यूज इन ओपन कास्ट माइन, इनलेस हॉलेज ठीक है, कोल हैंडल प्लांट भी सही है, कटिंग एज होगा, कोल हैंडल प्लांट डज नॉट हैव दिस, कटिंग एज होगा, वन डज रिक्वायर्ड फर्स्ट एड किट, सो ऑफिस सुपरिटेंडेंट को जरूरत नहीं, ये भी सही है, 12 भी सही है, मानिक सरदार डज नॉट इंस्पेक्ट कैंटीन को नहीं इंस्पेक्ट करते हैं, मैच बॉक्स ये भी सही है, मानिक सरदार डज नॉट अथॉरिटी टू रन मशीन सही है, 2 लीटर सही है, सही है, 17 भी सही है, 18वां भी सही है, 19 भी सही है, 20 भी सही है, HDL ओपन कास्ट मशीन नहीं है, SOP भी सही है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर 22 है, वाटर डेंजर प्लान इज प्रिपेयर्ड ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 23 ये तो ऑप्शन नंबर 23 में बी सही होगा मेरे ख्याल से, गलत हो गया है, क्वेश्चन ही गलत है, पिट लिग्नाइट बिटुमिनस में एंथ्रासाइट हुई है। ठीक है, मेरा सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 भी आप लोग इसे ध्यान से देख के ही मारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, द टर्म रिप्रेजेंट फैक्टर इज रिप्रेजेंटेड फैक्टर माइन प्लान ही होगा सही है, CHF इज माइन से CHF नहीं है, कंप्यूटर मशीन सही है, 28 भी सही है, 29 भी सही है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑफ वर्कमैन इज डन एट इंटरवल ऑफ 5 ईयर ये गलत हो गया मेरा, 5 ईयर्स होगा। ठीक है, रिफ्रेशर ट्रेनिंग ऑफ वर्कमैन इज डन एट इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स होगा, आप लोग भी देख के टिक करिएगा, सही है, स्ट्रेचर भी सही है, एम्बुलेंस भी सही है, टेंडर फायर फाइटिंग होगा, 35 भी सही है, 36 भी सही है, 37 भी सही है, 38 भी सही है, 39 भी सही है, 40 भी सही है, 41 भी सही है, 42 भी सही है, बर्डन फर्स्ट वॉल द ब्लास्ट वॉल्स एंड द बेंच एज ये भी सही है, 44 भी सही है, 45 भी सही है, 46 भी सही है, 25 किलोमीटर पर आवर 18 एडल्ट का होगा, CO2 टाइप होगा ठीक है, 49 भी सही है, 16 और 50 भी सही है, स्टीपेस्ट ग्रेडियंट फॉर अलाउड फॉर एनी रोड इन द माइन 1 in 10। तो ये पार्ट वन है, चलिए अब पार्ट टू और जो 20 क्वेश्चन हैं उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस एग्ज़ाम का जो क्विज़ है ये मैं लिंक पे डाल दूंगा, आप लोग जाके खुद से टेस्ट कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए इसे लॉगआउट करते हैं और पार्ट टू देख लेते हैं। ठीक है, और 20 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, लॉगआउट हो गया, अब पार्ट टू पर लॉग इन करते हैं। पार्ट टू भी आ गया, चलिए इसमें फिर से लॉगिन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट बटन क्लिक करना है, आप लोग को दोनों लिंक, दोनों टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग खुद से टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिनिमम एडुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन इज, ऑप्शन है 7th मैट्रिक ग्रेजुएट इंटरमीडिएट, तो ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, रिटायर एज ऑफ वर्कमैन इज, ऑप्शन है 60 साल, 62 साल, 65 साल, 60 साल, 70 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 60 ईयर्स, तो इस ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करते हैं, 60 ईयर्स। माइनिंग स्टिक इज यूज फॉर, जो माइनिंग स्टिक क्यों यूज़ करते हैं, बीटिंग ए पर्सन, टेस्टिंग रूफ एंड साइड, सपोर्टिंग रूफ, ऑल ऑफ द एबव,
मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी होगा, टेस्टिंग है रूफ एंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, हीट स्ट्रोक इज ड्यू टू स्विमिंग इन रिवर ड्यू टू एक्सट्रीमली हॉट वेदर ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करते हैं, ड्यू टू एक्सट्रीम हॉट वेदर। क्वेश्चन नंबर 5, गार्लैंड ड्रेन इज अ वाटर ड्रेनेज ड्रेनेज ऑफ स्पॉइल अ पोर्ट होल अ डैम। तो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वेयर इज डिप्लॉयड इन अ माइन फॉर प्रिपेयरिंग प्लान अपडेटिंग प्लान डेली रूटीन सर्वे ऑल ऑफ द अबव। सर्वेयर डिप्लॉयड माइन प्रिपेयरिंग अपडेटिंग, ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करते हैं। वोमेन इज अलाउड टू वर्क इन अ माइन, ऑप्शन है 7 AM to 6 AM, 6 AM to 7 PM एट द ब्रेक टाइम, और ऑप्शन नंबर डी है 10 AM to 5 PM। इसका राइट आंसर 6 AM, सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक काम कर सकती हैं। मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट फॉर माइनिंग सरदा एग्जामिनेशन इज 5 feet, 6 feet, 5.5 feet, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका इस राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर 9, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज, ऑप्शन नंबर ए 50/90, 70/110, 100/140, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन यूज ऑफ कोल इन इंडिया इज फॉर कुकिंग फॉर एक्सट्रक्शन फॉर पावर जनरेशन फॉर फार्मिंग। तो पावर जनरेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। कॉज ऑफ राजमहल माइन डिजास्टर विच ऑकर्ड इन 2016 वाज ब्लास्टिंग फायर अर्थक्वेक स्टार्टअप फेलियर। जो राजमहल डिजास्टर हुआ था 2016 में, किसके कारण हुआ था? ब्लास्टिंग फायर अर्थक्वेक स्टार्टअप फेलियर। तो मैं ऑप्शन नंबर डी पे स्टार्टअप फेलियर क्लिक करता हूँ। हु इज़ नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन अ माइन, मैनेजर एजेंट ऑनर सर्कल ऑफिसर। ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करते हैं। ऑप्शन नंबर 13, वर्कमैन इंस्पेक्टर इज डिजाइन बाय डैश इन कंसल्टेशन विद द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। इसके ऑप्शन है डिजीमेस ऑनर एजेंट मैनर मैनेजर ओवरमैन फोरमैन। डिजाइन ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करते हैं। वर्कमैन इसका डिजाइन बाय ऑनर एजेंट मैनेजर होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से देखते हैं राइट है कि गलत है। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। डीजीएमएस कम्स अंडर कोल, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, सॉइल इज फाउंड इन विलो सीम एवव कोल सीम टॉप ऑफ द कवर एट बॉटम। ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक करते हैं। हाइट ऑफ बर्म इज 1 meter इक्वल टू डायमीटर ऑफ व्हील 5 meter हाइट ऑफ व्हीकल। तो ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करते हैं। एवीए इज यूज इन बेल्ट कन्वेयर व्हीकल यूज इन माइंस क्रशर स्टार्टअप फेलियर। ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करते हैं। एवीए इज यूज इन व्हीकल यूज इन माइंस। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ माइन हाउ मेनी स्टैचुटरी मैनेजर आर पोस्टेड। ऑप्शन है 2, 3, 1, none। 1 पे क्लिक करते हैं, स्टैचुटरी मैनेजर एक ही पोस्टेड है। क्वेश्चन नंबर 19, डस्ट जनरेशन में बी रिड्यूस बाय ड्रिलिंग विथ ब्लंट बीट हाई स्पीड लो स्पीड शार्प बीट। तो ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करते हैं हम लोग, ठीक है। डस्ट जनरेशन में बी रिड्यूस, कम कैसे किया जाता है? शार्प बीट रहेगा तभी तो जल्दी जल्दी और डस्ट नहीं जनरेट करेगा। और आज का NCL का पूरा जो 2019 से माइनिंग सरदार का क्वेश्चन पेपर है, आजकल उस पार्ट का सबसे लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, विच आर द प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डस्ट। इसमें से कौन सा हमें डस्ट से प्रोटेक्ट करता है? ईयरमफ, गोगल्स, मास्क, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, मास्क, ठीक है। तो चलिए इसे भी सबमिट करते हैं और देखते हैं कितना गलत है और सही है। पता नहीं, क्वेश्चन ऑनर एजेंट मैनेजर ही होगा, यहाँ पे ओवरमैन दिखा रहा है। एक गलत हुआ, यही मेरा पहला वाला गलत हो गया है। इसे मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। ओवरमैन कैसे होगा? वर्कमैन इंस्पेक्टर जनरल बी ही होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आप लोग ऑनर एजेंट मैनेजर पे ही टिक करिएगा, ठीक है। ये गलत हो गया मेरा, बाकी सब सही है। डीजीएमएस ये भी सही है, 3 भी सही है। टॉप ऑफ द कवर मिलता है सॉयल, एवीए बेल्ट यूज इन माइंस, सी भी सही है, राजमहल आज स्टार्टअप फेलियर की वजह से हुआ था डिजास्टर, गार्लैंड ड्रेन वाटर ड्रेनेज है, ठीक है, ये भी सही है। 9 भी सही है, इंटरमीडिएट
मिनिमम हाइट ऑफ कैंडिडेट फॉर माइनिंग सरदार एग्रीन, ऑल सभी, ऑल ऑफ द अबव, ये भी 11 भी सही है। ब्लड प्रेशर 70/110 होगा। हीट ड्यू टू एक्सट्रीम हॉट वेदर, हाइट ऑफ द बर्म सही है, सही है, सही है। 18 भी सही है। सर्कल ऑफिसर 19 भी सही है और 20 भी सही है। तो आज हम लोग ने NCL का 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, ठीक है। पूरा 70 क्वेश्चन टोटल इस वीडियो में हम लोग ने सॉल्व किया है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और अपने माइनिंग दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। मैं इस क्विज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आप लोग को। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कैसा रहा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करें। और कोई क्वेश्चन अगर गलत लगा होगा आंसर तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।